जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना और पानी से पानी पर पानी लिखना जितना कठिन होता है उतना ही कठिन होता है रिश्ते बनाना। बात मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये बात कह रही है हमारी संदीप रेड्डी बांगा के निर्देशन में बनी फिल्म एनिमल द फिल्म, जिसमें हमारे रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और लॉर्ड बॉबी देओल। तो भैया फाइनली आज एनिमल द फिल्म रिलीज हो चुकी है और हम पहला दिन पहला शो देख कर आ रहे हैं। नहीं, पहला शो नहीं, क्योंकि इस फिल्म की हाइप इतनी ज़्यादा थी, जो हमने शो सबसे पहला बुक करा था उसके बाद में एक और शो उन्होंने ओपन कर दिया, हमसे भी पहला वाला, तो हमारा दूसरा हो गया। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी है रणबीर कपूर की, जो अपने पापा अनिल कपूर से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन पापा रणबीर से उतना प्यार नहीं करते हैं। प्यार तो करते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, कामकाज में लगे रहते हैं। उसके बीच पापा पर हो जाता है एक हमला और फिर रणबीर की ज़िंदगी का मकसद हो जाता है सिर्फ उस कातिल को ढूंढना और उसको मार देना, और इसी मकसद पर ये फिल्म चलती रहती है। कहानी सिंपल लग रही होगी लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और ये देखने में आपको मज़ा आता है और इसको देखने के लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा। रणबीर कपूर का नया लुक, नया अंदाज, कहीं कहीं पर वो संजय दत्त जैसे लगते हैं, कहीं कहीं पर वो कबीर सिंह के, शाहिद कपूर के जैसे लगते हैं, लेकिन जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, जिस तरह से वो इमोशनल सीन करते हैं, वो हर फ्रेम में आपको इम्प्रेस कर देते हैं। ये फिल्म रणबीर के लिए एक करियर की गेम चेंजर फिल्म साबित हो सकती है, होगी। लवर बॉय वाली इमेज को अब बाय बाय करने का टाइम आ गया। तो रणबीर कपूर ने तो इस फिल्म में कमाल का काम किया है, ऐसा काम किया है कि मतलब आज तक उन्होंने किसी फिल्म में अपना ऐसा काम नहीं किया है, खतरनाक काम किया है। बात करें दूसरे कलाकारों की तो रश्मिका मंदाना ने काम तो बढ़िया किया है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि वो मुंह में अभी गुटखा डालकर बात कर रही हैं। तीसरे हमारे अनिल कपूर, कमाल का काम किया है भाई इस बंदे ने भी। और चौथे हमारे बॉबी देओल के सीन ले देकर सिर्फ इतने थे जितने हम ट्रेलर में देख चुके थे, बस उतने ही उनके सीन है। 5 से 6 मिनट के लिए वो आते हैं, ज़्यादा टाइम उनको नहीं मिला है और मैं इस बात से थोड़ा सा निराश भी हूँ, थोड़ा सा टाइम उन्हें और देते तो अच्छा लगता। डायरेक्शन की बात करें तो संदीप बांगा रेड्डी ने फिल्म को अच्छे से डायरेक्ट किया है। 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म है और इसको एंटरटेन बनाए रखने में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। मतलब फर्स्ट हाफ जो है फिल्म का वो काफ़ी बढ़िया है, आपको बांधे रखता है स्क्रीन से, आप इधर उधर देखने का आपको बिल्कुल भी समय नहीं देता है। सीन टू सीन, फ्रेम टू फ्रेम ऐसे चेंज होते रहते हैं कि आप मानो अभी फिल्म कहीं चल रही थी, अभी फिल्म कहीं आ गई है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगा कर रखना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में कहानी बहुत अच्छे से चलती है और मज़े भी आता है। बात करें सेकेंड हाफ की तो सेकेंड हाफ में लगता है कि फिल्म अब थोड़ी स्लो हो गई है। फर्स्ट हाफ जितना बेटर है, सेकेंड हाफ उससे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। बात करें म्यूज़िक की तो म्यूज़िक भी शानदार है, अब चाहे वो अरिजीत सिंह का गाना हो या फिर विप्राक का गाना हो, सारे गाने अच्छे लगते हैं सुनने में और फिल्म आपको गानों के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं कि गाने आगे तो फिल्म रुक जाती है, स्टोरी गानों में चलती रहती है। ट्रेलर में काफ़ी कुछ देखने के लिए हमें मिला था लेकिन फिल्म की कुछ कड़ियाँ मुझे कमज़ोर लगी। फिल्म को देखने के बाद आपको ऐसा भी लग सकता है कि ट्रेलर तो बहुत जानदार था लेकिन फिल्म सेकेंड हाफ में थोड़ी सी फीकी पड़ गई। तो अब बात करें भैया कुल मिलाकर कि फिल्म देखने लायक है या नहीं है, कैसी है भैया? देखो भैया फिल्म को हम एवरेज कह सकते हैं। अगर आप एक्शन के दीवाने हैं, वो एक अलग एक्शन मोड में रणबीर कपूर का एनिमल लुक देखना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल देखो। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है और इसे केवल 18 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग देख सकते हैं और फिल्म में थोड़े से ऐसे सीन्स भी हैं जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि किसिंग सीन बहुत सारे हैं और सेक्स की बातें भी होती हैं थोड़ी फिल्म में, तो फिर फैमिली के साथ ना जाए तो ही अच्छा होगा। बाकी फिल्म में एक्शन सीन, हाँ जैसा कि बताया गया था कि फिल्म वायलेंस होने वाली है, तो है भैया फिल्म में वायलेंस है और ऐसे सीन भी हैं जो आप शायद ना देख पाओ। भैया कुल मिलाकर फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो फिर देखने जाओ, हाँ फिल्म देखनी चाहिए। फर्स्ट हाफ काफ़ी बढ़िया आपको लगेगा, आप तालियां सीटी बजाने का खूब मौका मिलेगा, खूब तालियां सीटी बजाइए। और देख ली है तो मुझे कमेंट में बताना कि फिल्म कैसी लगी, और नहीं देखी है तो फिर जाओ देखो यार। और इसी के साथ सैम बहादुर फिल्म भी लगी हुई है, वो किसी ने देखी है नहीं देखी है भैया? देखी है तो हमें कमेंट में बताना कैसी लगी, हम भी देखेंगे, आपको रिव्यू देंगे। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है। और हाँ, जब फिल्म ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करिएगा, जल्दी से उठकर मत भाग लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे थिएटर में, जो विलन मर जाता है तो बहुत सारे लोग उठकर चले जाते हैं, तो उठना नहीं है भाई। उसके बाद एक और सरप्राइज़ है आपके लिए, एनिमल का नेक्स्ट सीजन भी आने वाला है, कब आने वाला है वो सब आप रुके रहिए, थिएटर में देखिएगा, जल्दी से उठकर मत भाग लीजिएगा, ठीक है?